नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें आपके लिए लेके आया हूं, जो बहुत जरूरी है, बहुत अहम है कि किस तरह से इस देश में क्या चल रहा है। लैटरल एंट्री की खबर सबसे बड़ी थी। सोचिए, एक तरफ जब जवान शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ जब कोरोना की मारी मारी है, आर्थिक व्यवस्था चौपट है, इस देश में कलेक्टर बनाए जा रहे हैं, सेक्रेटरी लेवल की नौकरियां दी जा रही बिना परीक्षा के, और उसमें साफ साफ डीओपीटी के जो मंत्री हैं जितेंद्र, उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर आरक्षण लागू नहीं होगा। नीति आयोग में भर्तियां हो रही, इससे पहले भी 9 लोगों को आईएएस बनाया गया था। लेकिन शुरुआत से एक एक खबर आपको बताऊंगा और ये तमाम बहुजन समाज के लिए जरूरी खबरें हैं। ये वो खबरें हैं जो आपको टीवी अखबार में नहीं मिलेंगे, सिर्फ सोशल मीडिया पर मिलेंगे, और ये आपके लिए बहुत जरूरी खबर है, बहुत अहम खबर है, क्योंकि इन खबरों से ही आपके हक अधिकार की बात होती है। जिस टीवी अखबार के आप भरोसे बैठे हैं वो आपके खिलाफ होता है। सोचिए, 1900 राजेश शर्मा नाम का एक शख्स है जो लिखता है ट्वीट, उसने फेसबुक पर लिखा है, जिसको रंजन यादव ने एक्सपोज किया है। शर्मा जी लिखते हैं, ये स्क्रीन के दूसरे विंडो में आप देखिए स्क्रीनशॉट। 1962 का युद्ध भूल गए हैं, चीनी सेना ने 122 यादव जवानों को कुत्ता बनाकर मारा था। ये राजेश शर्मा नाम का शख्स है जो अहिर रेजिमेंट ने जिस तरह से 1962 में युद्ध लड़ा था चीन से, उसके लिए लिख रहा है। रंजन यादव ने जब इनको कहा कि FIR करवा देंगे तो ये ब्लॉक करके भाग गया। सोचिए इनके दिमाग में कितना जहर भरा हुआ, इसलिए मैं कहता हूं सरनेम चेक कीजिए। ये राजनाथ सिंह का एक बयान वायरल हो रहा है जब ये रक्षा मंत्री नहीं थे। चीन हमारे देश की धरती में घुस आता है, महीनों तक जमे रहते हैं, उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं है, हाथ पर हाथ धरे यह बैठे रहते हैं। बहनों भाइयों, यह भारत के भी मान सम्मान स्वाभिमान की चिंता नहीं कर सकते। जब ये रक्षा मंत्री नहीं थे तब का ये वीडियो है, सुन लीजिए एक बार टू विंडो में, और एक बार फिर से सोचिए। अब जब रक्षा मंत्री है तो उन्होंने जो कंडोलेंस दिया, उन्होंने जो श्रद्धांजलि दी है शहीदों को, उसमें उन्होंने चाइना का नाम तक नहीं लिया है। ये एक तीसरा वीडियो दिखा रहा हूं, इसको कहते हैं थूक कर चाटना। मैं कहना कुछ चाहता था लेकिन कंफ्यूजन के चलते गलती से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। हालांकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, इसलिए इसे भूल के तौर पर ही लेना चाहिए। अपनी इस भूल पर मैंने ट्वीट करके खेद भी जताया है। सोचिए, ये अमीश देवगन है जिन्होंने चिश्ती जो दरगाह है अजमेर शरीफ में उसको लेकर एक बयान दिया था, उसके बाद ये बार बार माफी मांग रहे हैं, और ये सब ठगने की कोशिश है। ये लोग लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ इस तरह के करते हैं। आप लोगों को सचेत होना चाहिए और मीडिया को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मीडिया पूरी तरह से जातिवादी है, मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है, सांप्रदायिक है। इनके खबरों पर नजर रखिए, और इनके खिलाफ मुस्लिम समाज ने इनके खिलाफ देश भर में FIR करवाया है, तब जाके माफी मांग रहे हैं। लेकिन माफी से काम नहीं चलेगा, ये लोग जानबूझकर ये सब करते हैं। और ये प्रधानमंत्री का एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है तेजी से, वही वीडियो है जिसमें वो कह रहे थे कि हमारा चीन से कितना दोस्ताना है, याराना संबंध है। मैं चुनाव जीत के आया और राष्ट्रपति जी का मुझे टेलीफोन आया तो उन्होंने टेलीफोन के अंदर इस बात का उल्लेख किया, और उन्होंने मुझे फोन पर मेरे जन्म स्थान का वर्णन किया। मुझे बड़ा आश्चर्य और आनंद भी हुआ। बाद में वो भारत आए तो उनकी इच्छा थी मेरे गांव जाने की, लेकिन वो गुजरात आए, गांव तक तो नहीं जा पाए थे। और ये देखिए, एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं जिसको प्रशांत कनौजिया ने शेयर किया है। यह है मोहित कंबोज, है हीरा व्यापारी और भाजपा नेता। मुंबई मोदी की मुंबई में पहली रैली इन्होंने ही करवाई थी। 2019 विधानसभा चुनाव के बाद एक NCP विधायक को सहारा होटल में इन्होंने छुपाया था, जो एक नाथ शिंदे ने छुड़वाया था। सारे फ्रॉड मोदी जी के साथी हैं। बैंक ऑफ इंडिया धोखाधड़ी मामले में CBI ने भाजपा नेता और चारण के खिलाफ केस दर्ज किया। बताइए, ये कंबोज के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया से इन्होंने धोखाधड़ी किया। ये सारे जो मोदी निकलते हैं, ये सब मोदी जी के दोस्त निकलते हैं, ललित मोदी, नीरव मोदी, ये कंबोज और फलाना ढिमकाना। तो इन लोगों ने लूट मचा रखी है इस देश में, और हद हो गई। टेलीविजन की देखिए क्या हालत है, टाइम्स नाउ, अब मैं क्या बताऊं उनको, मतलब टाइम्स नाउ ने एक फर्जी फेसबुक पर जो 30 सैनिकों की मौत की लिस्ट आई थी चाइना से अंग्रेजी में, वो मतलब समझिए कि चाइनीज नाम अंग्रेजी में आया था रोमन लिपि में, उसको इन्होंने पढ़ के सुना दिया। ये है इस देश की मीडिया की हालत, इतना भी वेरिफिकेशन नहीं करते हैं कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का IT सेल चला रहा है। मतलब हमारे 20 जवान शहीद हुए उसका दुख नहीं है, उधर 40 मरे, अरे चीन में तो डेमोक्रेसी ही नहीं है।
हमें उनके मरने से क्या मतलब है, उनका 1000 मर जाए हमारे क्यों मरे ये बताओ ना हमें। तो इन्होंने फर्जी खबर चला दी है। राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा बहुत लाजिम सवाल है, ये बात देश को बताना चाहिए। और आशुतोष ने लिखा है कि मोदी और शी जिनपिंग की 18 मुलाकात हुई फिर भी हमला, मोदी जी आखिर बात क्या कर रहे थे। अपने 17 सैनिकों को बचा सकता था, भारत समय पर मदद तक नहीं भेजा। ग्लोबल टाइम्स एक चाइनीज अखबार है, वो उसी तरह का प्रोपगेंडा करता रहता है, उसको सुनने की जरूरत नहीं है। नेपाल के दोनों सदन में नक्शे पास हो गए हैं भारत के खिलाफ, हमारा बायलेटरल रिलेशनशिप जो द्विपक्षीय बातचीत है वो बिल्कुल फेल दिख रहा है। और सुनील कुमार सुमन ने लिखा है, प्रोफेसर है, घर में घुसकर मारेंगे, चुन चुन कर बदला लेंगे, छक्के छुड़ा देंगे, चुप नहीं बैठेंगे, चीन को औकात बता देंगे, बलिदान व्यर्थ नहीं जान देंगे। ऐसे भड़काऊ और फर्जी बातें करने वाले नेता, मीडिया कर्मी और फटीचर टाइप के मूर्खों के कुल खानदान में ऐसा कोई नहीं होगा जो सेना में हो या कभी शहीद हुआ हो। अभी चीन के साथ झड़प के बाद शहीद हुए जवानों के घरों को देखिए, ये सब किस आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोग हैं। और ये सिन्हा रोज ट्विटर पर बयान दे रहा है, इनको बॉर्डर पर भेजिए। अभी लोग भागवत का वो बयान शेयर कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि 6 दिन में हमारे जवान तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए, दलित दूल्हे को घोड़े पर बैठना पड़ा महंगा, गांव के दबंगों ने दूल्हे से मारपीट की है। अब बताइए इनको, इनको जो भी हो इन लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये भी खबर है जो लगातार लोग शेयर कर रहे हैं। और ये देखिए, कर्नल अजय शुक्ला डिफेंस एक्सपर्ट जिनकी रपटे पिछले 5 हफ्तों से लद्दाख में लगातार छिपाई जा रही सच्चाई बयान करती बता रही है। संलग्न चित्र कटीले तारों से बंधी गई लाठियां की है जिनसे चीनी सैनिकों ने निहत्थे भारतीय गश्ती सैनिक दलों पर हमारी सीमा के अंदर हमला किया है। सोचिए कि उन लोगों ने, ये तस्वीरें हैं और जिस पर हमला किया है। महिलाओं को स्तन ढकने के हक के आंदोलन के लिए करने वाला महात्मा अंकली को लोग याद कर रहे हैं आज। और कोरोना मुक्ति की कामना, 26 किलोमीटर लगाई मंदिरा की धार, 12 घंटे तक चली नगर पूजा, शराब पीकर कोरोना को भगाएगी माता देवी की मूर्ति, ऐसे कलेक्टर साहब को आप विश्वास है, आम आदमी को छोड़ो। ये मतलब क्या देश हो गया ये, उज्जैन में कलेक्टर ने शराब पिलाया कि कोरोना दूर हो जाएगा, मतलब क्या कहा जाए, मतलब कहां देश को धकेला जा रहा है। हाउ मेनी किड्स ऑफ पॉलिटिशियंस आर सर्विंग इन आवर आर्मी, अविनाश मिश्रा ने सवाल पूछा है। और चीन के साथ MTNL BSNL को कह रहा है कि 5G कैंसिल कर दीजिए, जबकि इस देश के तमाम जो बिजनेस हैं उसको उन लोगों ने चीन के हवाले कर दिया पिछले 6 साल में। गिरीश मालवीय ने एक शानदार पोस्ट लिखा है, मुझे लगता है इस सबको पढ़ना चाहिए, नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज पर भी है, मेरे पेज पर भी है। चीन क्या कहता है, कल भारतीय सैनिकों की शहादत पर चीन के बयान पर गौर करें तो समझ आ जाएगा कि सरकार की मूर्खता और तालमेल न होने के कारण ही हमारे बच्चों खून से घाटी लाल हुआ है। चीन सेना द्वारा गुलवान घाटी और 8 फिंगर्स पहाड़ी चोटियां पर कब्जा होने के बाद उन्होंने घोषणा कर दी थी कि वो उनका क्षेत्र है और भारतीय सेना पर अधिकार नहीं है। लेफ्टिनेंट स्तर की बातचीत हुई, चाइनीज अधिकारी उससे भी कम स्तर के थे। उसके बाद हमारे सेना के जवानों को दिल्ली से प्रेशर की वजह से उनको खाली हाथ जाना पड़ा और खाली हाथ उन पर हमला हुआ है। प्रमोद चावला ने बिल्कुल साफ साफ लिखा है और इसको लेकर लोग बात करनी चाहिए। तो ये वो तमाम पोस्ट हैं जो लोग, जिनके परिवार के लोग सेना में नहीं है, वे भक्त लोग सरकार की कमजोर नीतियों पर सवाल ही नहीं करते, सैनिकों के शहीद होने का रास्ता देखते हैं। और ये तमाम बड़ी सेना में जवान जितना साहस करने की ताकत रखता है उससे ज्यादा साहस करने की ताकत व्यापारी रखता है। नरेंद्र मोदी का एक वीडियो है और ये एक सवाल पैदा होता है कि आखिर जब भी बीजेपी की सरकार आती इस तरह की चीजें होती हैं। सोचिए वाजपेयी के समय वो काबुल कंधार कांड हुआ हेलीकॉप्टर जहाज वाला, उसके बाद संसद पर हमला हुआ, फिर चुनाव हुआ, चुनाव आने वाला था तो वो पाकिस्तानी सैनिक हमारे अंदर घुस गए थे जिनको हमने मार भगाया। तो मतलब लगातार उसके बाद पुलवामा हो जाता है, अब उसके बाद चीन पर हमारे हो गए। तो बीजेपी की जब जब सरकार आती है इस तरह की चीजें होती है, इससे सवाल तो पैदा होता है कि आखिर लापरवाही किसकी है। और 1998 में वाजपेयी सरकार के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था कि भारत का दुश्मन नंबर एक चीन है और भारत को अपनी रक्षा तैयारी चीन के केंद्र में रखकर करना चाहिए, लेकिन मोदी जी उनको झूला झूलाते रहे। और जितेंद्र जी ने लिखा है, इनके उपनाम देखिए ओझा को छोड़कर, और मीडिया नौकरशाही और न्यायपालिका में भरमार लोगों का नाम देखिए, जब तक यह अंतर नहीं मिटेगा तब तक सब मिलकर ये तमाशा चलाते रहेंगे। सोचिए जो लोग शहीद हो रहे हैं उनके लोग न तो सत्ता में हैं
न उनके लोग बिजनेस में है, न मीडिया में है, न ब्यूरोक्रेसी में है, न जुडिशियरी में है, और वो शहीद हो रहे हैं और लोग सिर्फ उनके नाम पर राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं। किसान का बेटा जवान के रूप में मर रहा है, किसान खेतों में मर रहा है, मजदूर सड़कों पर मर रहा है और सिर्फ राजनीति हो रही है। और ये तमाम खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर लोग बता रहे हैं। और सोचिए मतलब टीवी की क्या हालत है, उस पर तो कुछ कहना ही मुश्किल है। और अब लगातार पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल 6 रुपए 55 पैसे और 7 रुपए 4 पैसे, फिर भी 12 दिन में महंगा हुआ है। पिछले 12 दिनों में यूपी के जहूराबाद में विधानसभा के ग्राम सभा सिवरा भटोली में फिर से राजभर समाज के युवक पर हमला हुआ। वहां खुद ओम प्रकाश राजभर पहुंचे, उन्होंने वीडियो शेयर किया है। और एक कार्टून सबसे ज्यादा मोदी जी का चल रहा है, इसको देखना चाहिए आपको। श्रमिक नंबर 1, हिंदू हृदय सम्राट, गरीब, गंगा का बेटा, मजदूर, 56 इंची, चाय वाला, फकीर, चौकीदार और प्रधान सेवक, नाम कितने हैं उनके। और इसलिए अनुराग कश्यप पूछते हैं कि कोई काम तो अच्छा करते होंगे, ये भी बहुत शेयर हो रहा है, लोग कर रहे हैं। और 8 रुपए रुकने के बाद बढ़ जाना चाहिए। उमा शंकर ने ये वीडियो शेयर किया है, ट्वीट शेयर किया है, और मोदी जी का ये वीडियो बहुत शेयर हो रहा है। और अमित रूबिका लियाकत ने लिखा था कि बीएसएनएल एमटीएनएल में निर्देश दिया गया है कि चीनी सामान का बहिष्कार हो। और अमित जेमी ने लिखा है कि अरे बहनी, गुजरात में 200 कंपनी मोदी जी के लाए थे, उसे बंद करने का आदेश दे, हम देश के साथ हैं। थोड़ा पर्दे पर अपनी चिंकार हुंकार देखने को नहीं मिल रही आजकल। तो ये लगातार लोग काउंटर कर रहे हैं। और सोशल मीडिया, सोचिए बीजेपी की हिम्मत देखिए, सरकार उसकी है, फेलियर उसका है, प्रधानमंत्री उसके हैं, और उसके लोग जाके विरोध प्रदर्शन भी कराते हैं। ये तेजिंदर पाल बग्गा जो है वो इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक ANI है, सारे झूठ वहीं से फैलाए जाते हैं, उस पर एक बड़ी खबर दी। अगर आप लोग मीडिया की समझ रखते हैं, स्मिता प्रकाश है, सेव द अमित मालवीय नंबर है सोर्स। अमित मालवीय बीजेपी IT सेल के प्रमुख है और स्मिता प्रकाश जो है वो ANI की प्रमुख है, मेरी सीनियर है, कल मेरे अलुमनाई में भी IMC से पढ़ी लिखी है, मुझे नहीं पता। खैर पत्रकारिता का जैसे IIT IIM वैसे IMC है, और उसी से सुधीर चौधरी, उसी से दीपक चौरसिया, उसी से स्मिता प्रकाश, ये तमाम लोग वहीं से हैं। अब क्या कीजिएगा, मैं भी वहीं से हूँ, लेकिन आपके लोगों की वहां भी एंट्री नहीं है। इक्का दुक्का जो पहुंच जाते हैं उनको नौकरी नहीं करने दी जाती है। तो ये सारा जो ANI की खबरें सोर्स से आती है ना, वो अमित मालवीय देते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो इन्हें ट्वीट किया है, और ये अच्छा ट्वीट किया उन्होंने। मैं चाहे आपको बताऊं कि किस तरह से इन लोगों के चैनल्स चलते हैं। तो ये कुछ और बड़ी खबरें मैं आपको बता रहा हूं जो, और लेटरल एंट्री सबसे बड़ी खबर है, और उज्जैन वाली जो मैंने बताया कि कोरोना मुक्ति के लिए कलेक्टर SP ने माता के मंदिर में शराब चढ़ाई है, ये भी बड़ी खबर है। श्वेता सिंह का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक तो प्रधानमंत्री ने हिम्मत दिखाई, और चीन में जवान शहीद हुए तो उसके लिए सरकार नहीं, जवान दोषी है। तो श्वेता जो है, और उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए कल श्वेता लद्दाख पहुंच गई, उनका जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है, अब उसको डैमेज कंट्रोल करना है तो उनको लद्दाख भेज दिया गया रिपोर्टिंग के लिए। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और शीतल पी सिंह ने एक और जानकारी दी है जो आपको समझना चाहिए। ANI ने 9 तारीख को सूत्रों के मुताबिक खबर दी थी कि भारत और चीन के बीच मिलिट्री के अधिकारियों को 6 जून की मीटिंग में समझौता हो गया और चीन 2.5 किलोमीटर पीछे चला गया। उसके बाद 15-16 जून की रात हमारे सैनिकों ने पाया कि चीन 1 इंच भी नहीं खिसका बल्कि सरिया लाठी पत्थर इकट्ठा कर लिया है। अब ANI आज शाम फिर सूत्रों के मुताबिक खबर है कि चीन के 43 जवान कल रात, ये ANI तो सबसे फर्जी और बकवास न्यूज एजेंसी है, और ये प्रधानमंत्री के इशारे पर काम करता है। स्मिता प्रकाश का इंटरव्यू देख लीजिए प्रधानमंत्री के साथ, आपको भरोसा हो जाएगा। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो, सोचिए जो लोग कह रहे हैं कि सरकार से सवाल नहीं पूछिए, इन्हीं के बाप दादा जनसंघ के नेता जब 62 के युद्ध में पूछते थे, घर का दुश्मन घर में बैठा, बाहर फेजे भौज, नेहरू मेनन घर में बैठे मना रहे हैं मौज। उस समय नेहरू प्रधानमंत्री थे और मेनन रक्षा मंत्री थे। तो घर का दुश्मन घर में बैठा, बाहर भेजे फौज, नेहरू मेनन घर में बैठे मना रहे हैं मौज, ये ऐसे नारा गढ़ते थे लोग। और अभी प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लीजिए तो इनको बहुत दुख हो जाता है। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी आज की बहुजन समाज के लिहाज से जो मैं आपको बता रहा था। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और टेलीविजन अखबार पर आपके काम की खबरें नहीं है। लेटरल एंट्री की खबरें हो, सीधे IAS की बहाली हो रही है, ये खबर आपको नहीं दिखाई जाएगी। जो जवान शहीद हो रहे हैं वो सब किसान,
गरीब मजदूर के घरों के हैं उनकी खबर आपको नहीं दिखाई जाएगी, तो तमाम जो सरकार की खबरें हैं वो नहीं दिखाई जाएगी। दरअसल मीडिया क्या कर रहा है कि वो खबर नहीं प्रचार है, इसलिए कहा गया कि जो खबरें छुपाई जाए वो खबर है, जो दिखाई जाए वो प्रचार है। यहाँ पूरी की पूरी मीडिया जो है वो सरकार के प्रचार में, इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं जो भारत का टेलीविजन अखबार दिखाता है वो खबर नहीं प्रचार है, क्योंकि यहाँ के पत्रकारों में वो सलाहियत ही नहीं है, उनमें वो कोशिश ही नहीं। हाँ, पत्रकारिता तब जिंदा हो जाती है जब सरकार में कोई एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का आदमी बैठा हो, या किसी राज्य का सीएम हो, या गैर बीजेपी शासित राज्यों में खबरें बनाई जाती है, बाकी प्रचार होता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया इस पूरी बातचीत पर, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और मेरी फिर से एक मांग है कि इस देश के जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए, उनके घर में 1 क्लास 1 की नौकरी, और उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, खाना हो, सबकी जिम्मेदारी इस देश के सरकार को लेनी चाहिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।